एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को लेकर एक नया अपडेट आया है। फाइनली क्या फैसला हुआ है, एग्जाम्स को लेकर सारी कुछ जानकारी आपको डिटेल में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो स्टूडेंट यहां पर आपको सबसे पहले मैं अपडेट बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट, आज ही का अपडेट है जिसमें कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा और आगे खिसकेंगी, 10वीं रिजल्ट 3 मई 6 मई परीक्षा के मूल्यांकन के आधार पर बनेगा। मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूँ और समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्रिका का अपडेट है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के 20 लाख से ज़्यादा छात्रों का भविष्य आधार में, स्कूल शिक्षा विभाग जल्दी ही इस बारे में फैसला लेने वाला है। CBSE के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग ने MP बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का मन तो बना लिया है, लेकिन रिजल्ट के फॉर्मेट पर फैसला बाकी। CBSE छात्रों का रिजल्ट मासिक टेस्ट के आधार पर बनाने जा रहा है। वहीं MP बोर्ड में 3 मई और 6 मई परीक्षा के आधार पर रिजल्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। छात्रों के पिछले 2 साल के परीक्षाओं के परिणाम को भी मूल्यांकन में शामिल किया जा सकता है। हाल ही में विभाग ने प्रायोगिक परीक्षाएं भी स्थगित कर दी हैं। सरकार मानती है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात ऐसे नहीं है कि 12वीं की परीक्षा ली जाए, ऐसे में छात्रों को अभी और इंतजार करना होगा। यदि कोरोना की स्थिति में बहुत सुधार नहीं आया तो परीक्षा और आगे बढ़ाई जा सकती है। अभी सरकार ने जून तक के लिए स्थगित किए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 10वीं के रिजल्ट के फॉर्मेट पर विचार कर रहे हैं।